वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं केप मे काउंटी। न्यू जर्सी की ही एक ये काउंटी है। वैसे तो केप मे बीचेस के लिए बहुत फेमस है, बट आज हम जा रहे हैं केप मे जू। तो मेरा जो बेबी है वो अभी कुछ एनिमल्स को पहचानने लगा है, तो हमने सोचा क्यों ना उसे हम जू लेके जाएं, सो दैट उसे भी रियल एनिमल्स सामने देखेगा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और इट विल बी अ फन एक्टिविटी फॉर हिम। तो आप सबको भी मैं लेकर चलती हूँ वहां पर और दिखाती हूँ कैसा है ये जू। सो हमारे घर से ये जू है ऑलमोस्ट 100 माइल्स की डिस्टेंस पर, एंड आफ्टर द 2 आवर्स ऑफ ड्राइविंग हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं केप मे जू। और जू में एंटर होने के बाद सबसे पहला सेक्शन है वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, एंड दिस इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ USA जिसका नाम है अमेरिकन ईगल और द बॉल्ड ईगल। बिकॉज ऑफ इट्स वाइट हेड इसको बॉल्ड ईगल बोला जाता है, एंड USA का जो सील होता है उसके ऊपर भी इसका पिक्चर बना हुआ है। और ये है फ्लेमिंगोज। सो पूरे वर्ल्ड में फ्लेमिंगोज के 6 स्पीसीज है, उनमें से 3 स्पीसीज इस जू में अवेलेबल है। एंड दिस इज पैरट रो। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स के पैरट्स हैं। This is a white-tailed deer. और ये है अमेरिकन ब्लैक बेयर। एंड फॉर कन्वीनियंस जू में काफी जगह पर ऐसे मैप्स लगे हुए हैं। सो अब हम जा रहे हैं अफ्रीकन सवन्ना नाम के सेक्शन में। सो अफ्रीकन सवन्ना ये नाम इसे क्यों दिया ये मैं आपको बता दूँ। इट्स बेसिकली एन इकोसिस्टम जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासेस एंड वार्म टेम्परेचर को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया जाता है। सो यहाँ पर हमें जिराफ, ज़ेब्रा, ऑरिक्स ये सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे। इन एनिमल्स को वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके हैबिटेट में आसपास डेंस ट्रीज प्लांट नहीं किए जाते सो दैट दे कैन गेट द प्रॉपर सनलाइट, एंड एज दे डिमांड हैवी रेनफॉल इन समर। तो अभी यहाँ पर समर है इसलिए इन्होंने यहाँ मिस्ट क्रिएट करके यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। Vian, look. It's a zebra. What's that, Vian? Zebra. Yeah, it's a zebra. Digga. और ये है नीको।
तो काफ़ी कुछ ये मंकी जैसा दिखता है, बट इट्स नॉट अ मंकी, ये कॉमन मार्मोजेट है। और ये जो गोल्डन टैमरिंड्स है, ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्रिएट करके इस रूम में रखा हुआ है। एंड हियर इज द किंग ऑफ द ज़ू, द अफ्रीकन लायन। दिस इज एल्क, और ये एनिमल मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। एंड लुक एट दिस, इट सीम्स ए बैक्ट्रियन कैमल अपना पोस्ट लंच नैप एंजॉय कर रहा है। और हमने अब ऑलमोस्ट सारा जू कवर कर लिया है और हम चलते हैं एग्जिट की ओर। सो यहाँ पर ये एक फ़ोटो बूथ है जहाँ से हम फोटोज़ कलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसी के साइड में बना हुआ है एक पेनी मशीन। सो इट्स बेसिकली अ मशीन टू गेट योर सुवेनियर। सो इस मशीन में हमें 51 सेंट्स इंसर्ट करने हैं, एंड हमारे पसंद के एनिमल का एनग्रेविंग हम कॉइन पे करवा सकते हैं। तो एरो के जगह पे हमें एनिमल सिलेक्ट करना है, और वहाँ जो हैंडल दिख रहा है उसे हमें 6 to 7 टाइम्स रोटेट करना है। आफ्टर रोटेटिंग द हैंडल हमें एक पेनी जैसा कॉइन मिलेगा जिस पे एनिमल का एनग्रेविंग होगा, और उसे हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक आर्क इन द पार्क नाम का सुवेनियर शॉप है जहाँ से हम सुवेनियर्स ले सकते हैं, और उसी शॉप का एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ से यू नो हम लोग स्ट्रोलर्स या व्हीलचेयर ये सब चीज़ें रेंट पे ले सकते हैं। कभी कभी हम लोग बेबी का स्ट्रोलर घर पे भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये सुवेनियर शॉप कैसी है। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कुछ टी शर्ट्स हैं जिसपे एनिमल्स के प्रिंट हैं, और फ्रिज मैग्नेट्स भी अवेलेबल है, कुछ स्टफ्ड एनिमल्स भी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कैरोसेल राइड है फॉर किड्स। एंड इस जू कैंपस में ही एक पार्क बना हुआ है जहां पर कुछ राइड्स है। एंड नाउ आई विल शो यू द पवेलियंस। सो दे हैव 14 सच काइंड ऑफ पिकनिक पवेलियंस जिसे हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, एंड इसका कुछ एक नॉमिनल रेंट होता है। सो वी कैन यू नो अरेंज द बर्थडे पार्टीज और फैमिली गेट टुगेदर्स हियर। दिस
this is one more interesting section of this zoo. So this is the tree to tree adventure aerial activity area of this zoo. और यहाँ पर काफ़ी से ऑप्शंस है, लाइक यू कैन डू जिप लाइन्स, जैसे यहाँ पर ये लोग जिप लाइन कर रहे हैं, तो जिप लाइन्स यू कैन डू, एंड टार्जन स्विंग्स दे हैव, और नेट्स दे हैव. सो बेसिकली दे क्रिएट यू नो द ऑब्स्टेकल्स एंड इट विल बी अ फन एक्टिविटी फॉर यू. इट्स अ नेट लाइन. इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो दे हैव 100 सच ट्री टू ट्री एक्टिविटीज टू डू हियर. सो 2 आवर्स की ड्राइव कर इस जू में आना वॉज टोटली वर्थ इट. वियान ने भी बहुत एंजॉय किया. एंड नाउ इट्स माई टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल. सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये जू कैसा लगा. डू चेक आउट माई प्रीवियस ब्लॉग्स, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.